हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत आसान है हलवा, मगर मैंने जिस रेसिपी से बनाया इससे आपको और आसानी हो जाएगी। मैंने एक पाव दाल जो है वो चॉपर में पीस ली थी और उसको मैंने पेस्ट के शक्ल में बना लिया। अब इसमें मैंने एक कप देसी घी डाला है, थोड़ा कम है एक कप से। उसमें मैं थोड़ा देर में दो चमचे और ऐड करूंगी बाद में। ये मैं पेस्ट डाल रही हूँ चने की दाल का। अब इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है, इतना भूनना है कि वो पैन की साइडें छोड़ दे और वो चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये एक पाव दाल का मैंने बना रही हूँ मैं, एक पाव दाल यानी 250 ग्राम्स के बराबर। और एक कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने घी लिया है और इसको अच्छी तरह पहले मैं मिक्स कर लेंगे घी के साथ। इसके बाद इसको भूनना स्टार्ट कर लेंगे। इसको कम से कम अगर आपने बहुत अच्छा भूनना है तो उसके लिए आपको आधा घंटा लाजमी चाहिए, क्योंकि ये चने की दाल का हलवा जितना ज़्यादा भूनता है इसका टेस्ट और अच्छा आता है और ये ज़्यादा मज़े का लगता है और ज़्यादा वक्त के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमारा अच्छी तरीके से ये भुन गया। अब इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड किए। इस तरह हमारा ये पूरा 1 कप इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको भुना है। इसकी साइडें बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं और ये पैन में कहीं पर भी नहीं लग रहा है। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे और इसके लिए अब हमें चाशनी भी बनानी है। पहले हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे जो हमने भुना अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कैसा इसमें भुना हुआ एक अलग ही हुआ रहा। और इसमें मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं पीला रंग, मगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और अच्छा कलर आ जाए। ये मैंने 1 कप चीनी ले ली है। चीनी जो है मैंने बिल्कुल हिसाब से डाली है। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। और 1 कप ही मैंने इसमें पानी डाल रही हूँ और 1/2 कप थोड़ा सा और, ताकि जो है ना अच्छी तरीके से इसका शीरा तैयार हो जाए। देख सकते हैं कि सारी चीनी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो गई, शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम जो हमने भुना हुआ पेस्ट है चने की दाल का वो इसमें हम इस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, ताकि इसमें से कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह ना पड़े, उसको अच्छी तरीके से हमने इस अंदाज़ से इसको पहले करना है ताकि ये मैश की शक्ल इसके अच्छी तरीके से गुठलियाँ वगैरह निकल जाएं। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा है नहीं। ये अभी फ़ौरन ही इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखते रहें कि ये किस तरीके के साथ, ये देखिए मैं सारा इसको बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से इसकी तमाम गुठलियाँ अलग कर रही हूँ इसको स्पैचुला से, ताकि जो है बिल्कुल इवन हो जाए, है ना। और अब हम इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर भी डालेंगे, 1/2 कप मैं ले रही हूँ वैसे इसमें, और ये काफ़ी 1/2 कप के ना 1 पाव दाल की ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और देखें घी हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि घी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है, बहुत मतलब उसकी मेजरमेंट के हिसाब से इक्वल है। और ये इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरीके से आप मिक्सर ले लेंगे और मिक्स करके इसको इस तरह भूनना है कि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। जब आप ये सोच देखेंगे हलवा बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है और अच्छा भुना हुआ है, तो वो बिल्कुल बर्तन को छोड़ देगा और एक बॉल की शक्ल उसकी बन जाएगी। इससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपका हलवा जो है बहुत अच्छा भुना हुआ है। अब देखें इसमें मैंने कलर ऐड नहीं किया, ये इसका अपना ओरिजिनल चने की दाल का जो कलर होता है ये वही है। अब आप देखें ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा। मैंने ग्रीस किए हुए ग्रीस कर रही हूँ ट्रे को ऑयल से। इसमें फिर हम ये दाल डाल देंगे जो हमने चने की दाल, हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। ये देखें अब आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये कहीं से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा।
इसका मतलब बिल्कुल रेडी। और ये ऐसे ही मैंने इसमें बनाया है ताकि जो है ये जम सके और आप इजीली इसके पीसेस काट सकें। ये देखिए ख़ुद ब खुद ये पूरा निकल गया है, मैंने इसको बिल्कुल भी ऐसे चमचे से अलग से नहीं निकाला है। अब आप इसको अच्छी तरीके से ट्रे में या ट्रे ले लें या जो भी आपको पसंद हो, और फिर इसमें बादाम और पिस्ते मैंने कटिंग करके गार्निशिंग के लिए ऊपर से सजा दी है। और अब हम इसको स्लाइसेस में काट लेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ताकि ये के इसी फॉर्म में रहे। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने आज का हलवा देखा कितना मज़ेदार बनाया। अब हमारी रेसिपीज़ को आप इसी तरीके से देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आगे शेयर कीजिए, ताकि हमारे तमाम रेसिपीज़ और